हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी बीएड को हम कैसे अच्छे से वेल मैनेज्ड वे में टाई कर सकते हैं। तो उसकी मेरी को डिमांड थी कुछ कमेंट्स में कि आप प्लीज़ बताएं कि वीडियो कैसे टाई करें, बीएड कैसे टाई करते हैं आप अपनी। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपनी बीएड टाई कैसे करता हूँ और मैं कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ उसको टाई करने वक्त। सो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ एक बीएड ब्रश। आप ये देख सकते हैं मेरा ये बीएड ब्रश है। ये बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितना सॉफ्ट होगा ये ब्रश ना उतना ही अच्छा होगा आपके हेयर्स के लिए। तो उसके बाद दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है, उसके बाद सेकंड स्टेप में वो होती है ये रबड़ बैंड, जो मतलब कि नायलन वाला भी आजकल मार्केट में मिलता है मेरे ख्याल से, वो चाइनीज़ नायलन वाला ही बोलते हैं उसको मेरे ख्याल से। मैं तो ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को ये वाला बहुत कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद आपके पास ये स्प्रे होना चाहिए, मतलब कि बीएड स्प्रे मैं यूज़ करता हूँ, मैं मतलब हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ। मैं किसी तरह की सिमको नहीं लगाता क्योंकि मेरे को बड़ा चिपचिपा लगता है हाथों पे वो, तो मैं वो यूज़ नहीं कर पाता, बहुत मैसी सा लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आपको अगर पसंद है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। ये नहीं इंडिया में अवेलेबल होगा तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बीएड टाई करने में हेल्प करता है, और ये वाला भी बहुत अच्छा। मतलब ये तीन स्प्रे हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ, मेरे को ये तीन स्प्रे बहुत अच्छे लगते हैं बीएड टाई करने के लिए। और उसके बाद हमारी थर्ड चीज़ है, वो चाहिए हमें एक कवर, बीएड कवर, जिसको हमने बीएड के ऊपर स्प्रे लगाने के बाद जिसको टाई करना होता है, जिसकी वजह से वो सूखने के बाद सेट होती है बीएड, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इसको। ये है नेट का कपड़ा है, ये मतलब नेट का बनवाया हुआ, ठाठा बोलते हैं इसको मेरे ख्याल से, हमारे घर में तो ठाठा बोलते हैं, मेरे को नहीं पता किसी के घर में क्या बोलते हैं, हमारे घर में इसको ठाठा बोलते हैं। तो इसको बीएड को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये होना चाहिए नेट वाला। लोग पता है क्या कहते हैं, दुपट्टे का कपड़ा या कोई आम सा ये वाला पगड़ी का कपड़ा, पगड़ी के कपड़े का टोटा बना के उसको ऐसे बांध लेते हैं, तो वो उससे कभी भी बीएड आपकी मैनेज नहीं होगी, क्योंकि जब बीएड के ऊपर किसी तरह की कोई ग्लू यूज़ करते हैं हम, चाहे सिमको की यूज़ करते हैं, चाहे इसकी कोई स्प्रे यूज़ करते हैं, तो उसको ड्राई होने के लिए वेंटिलेशन का कोई कपड़ा चाहिए ना, जिसके थ्रू वेंटिलेशन हो पाए। तो इसके अंदर से वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है, जिससे हमारी बीएड विद इन 5-10 मिनट सूख जाती है, तो और बीएड सेट भी बहुत जल्दी होती है। तो हमें ये वाला कपड़ा यूज़ करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट कपड़ा है। और उसके बाद हमें लास्ट में चाहिए ये सिलाई, बास बोलते हैं इसको, मैं इसको सिलाई बोलता हूँ, ये हमको चाहिए एट दी एंड। सो अब हम ट्यूटोरियल बना स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपके बीएड के हेयर्स हैं ना, लोग पता क्या करते हैं, मैंने देखा जब बात करके निकलते हैं ढेर सारी ऑयलिंग कर लेते हैं अपने बीएड के ऊपर। जब आप ढेर सारी ऑयलिंग कर लेंगे ना अपनी बीएड के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर आप बीएड अच्छी नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद जो स्प्रे होता है वो आपकी बीएड को होल्ड नहीं करता, और बीएड बांधने के बाद आपकी सारा दिन वो खुलती रहेगी या किसी तरह से बाल बाहर आते रहेंगे, क्योंकि ग्लू अपना असर नहीं दिखा पाती ऑयल की वजह से। सो कभी भी बीएड के ऊपर ऑयलिंग करनी है तो वो बीएड बांधने से 5-7 आवर्स पहले करनी है, ताकि आपके हेयर जो है मॉइस्ट रहें। मॉइस्ट ज़रूर होने चाहिए आपके हेयर्स, लेकिन चिपचिपे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, रात को जब घर आता हूँ तब अपनी बीएड वॉश करके मैं उसको ऑयलिंग कर लेता हूँ, और सुबह तक वो सारा सक हो जाता है हेयर्स के अंदर ऑयल, जिसकी वजह से मेरी बीएड मॉइस्ट होती है लेकिन चिपचिपी नहीं होती। सो आपकी बीएड मॉइस्ट ज़रूर होनी चाहिए लेकिन चिपचिपी नहीं, क्योंकि मॉइस्ट अगर नहीं होगी तो आप रबड़ बैंड अच्छी तरह से अपनी बीएड के ऊपर नहीं लगा पाएंगे, अगर मॉइस्ट नहीं होगी तो। इसलिए चिपचिपी नहीं होनी चाहिए लेकिन मॉइस्ट ज़रूर होनी चाहिए आपकी बीएड। अब हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर मैं हम पहला यूज़ करेंगे इस ब्रश का। तो इस ब्रश का यूज़ ऐसे करना है कि इसको ब्रश को ना बड़े पोलाइटली यूज़ करना है। कई लोग ना इस ब्रश को बड़ा ज़ोर से अपनी बीएड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बीएड के काफ़ी हेयर्स भी टूट जाते हैं और बीएड अच्छी तरह से मैनेज भी नहीं हो पाती। तो मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, सबसे पहले हमने यूज़ करना है इसको इस वे में, इस तरह से हमने ऐसे नीचे लेके आना है इसको बड़े पोलाइटली, मतलब नीचे वाले सारे बाल आगे लेके आने हैं हमने। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, बिल्कुल इसी वे में करिएगा जिस वे में मैं कर रहा हूँ। बस यही सबसे लंबा काम है कि ब्रशिंग ठीक से होनी चाहिए, अगर ब्रशिंग ठीक से होगी तभी बियर्ड लास्ट में अच्छे से बनेगी। और मैं ब्रशिंग में 15-20 सेकेंड ज़रूर लगाता हूँ ताकि बीएड हमारी अच्छी तरह से टाई हो पाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने हेयर सारे एक ही सिमेट्री में कर लिए हैं, इस तरफ वर्टिकल वे टुवर्ड्स माय चिन, ये देखिए ये सारे मैंने एक तरफ की और अपनी सिमेट्री कर ली है हेयर्स की, और मूछों को थोड़ा सा अलग से सेट करना पड़ता है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब हमारा काम है अपने हाथों का।
जो ये हाथों का काम है ना, इसको बड़े पोलाइटली करना, पोलाइटली है बियर्ड के ऊपर किसी तरह। लोग देखा मैंने बड़ा जूझे थे अपनी बियर्ड के साथ, जिसकी वजह से हेयर लॉस ज़्यादा होता है। बांधी तो जाती नहीं अच्छी तरह से, लेकिन हेयर लॉस बहुत होता है। और मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद अगर मेरे हेयर ज़्यादा टूटे बांधने, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरे, क्योंकि इस तरह वजह से ना लोगों के कई तरफ से बाल ज़्यादा चढ़ जाते हैं टूट टूट के ना। इसलिए बड़े पोलाइटली मैनेज करें, बड़े पोलाइटली आप अच्छे से बियर्ड बांध सकते हैं अपनी। सो अब अगला काम है कि हमने इसको ऐसे पकड़ना है और कोशिश ये करनी है विद पोलाइट हैंड्स हमने हर तरह से अपने हेयर्स कवर करने हैं इसके अंदर। मेरे यहाँ से ना बाल बहुत छोटे हैं, तो जो बाल छोटे होते हैं तो वो इजीली पकड़े नहीं जाते, इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरी बियर्ड की साइज़ थोड़ी छोटी है। यहाँ तक होती तो मैं अच्छी तरह पकड़ पाता, लेकिन ये सिर्फ इतनी है मेरी बियर्ड की साइज़, आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी साइज़ है, जिसकी वजह से मैं अच्छी तरह से टाई नहीं कर पाता। मेरे को लगता है अगर थोड़ी सी लंबी हो मेरी बियर्ड तो मैं और अच्छी तरह से इसको टाई कर पाऊँगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बियर्ड टाई कर लिया, इसको ना यहाँ से ऐसे पकड़ना है बियर्ड को। और अब हमारा काम है हेयर बैंड का। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने बियर्ड को ऐसे पकड़ लिया, आपने भी इसी तरह पकड़नी है। और अब काम है हेयर बैंड को। सो हेयर बैंड को अपनी फिंगर्स के ऊपर मैं सेट करके, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 बार मैंने रबड़ बैंड को टर्न किया है, ताकि 6 से 7 बार करता हूँ मैं, तो ताकि ये मेरी अच्छी तरह से सेटिंग हो पाए। अब हमारी ये ऐसी पोनीटेल बन जाएगी एक बड़ी अच्छी सी, और ये बिल्कुल सेट होनी चाहिए, ठीक है ना। हर तरफ से सारे हेयर्स मैंने कवर कर लिए इसके अंदर। अब हमने फिंगर्स के साथ ना इसको ना ऐसे में टर्न करके ना एक जूड़ा टाइप छोटा सा बना के इसको अंदर डालना होता है पीछे से। तो अंदर डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी, वो हम इस फिंगर के साथ ऐसे अंदर से सारे हेयर्स को साइड करेंगे, ताकि अंदर डालने वक्त किसी तरह की कोई इरिटेशन ना हो या हमारे जो हेयर्स हैं वो टूटे नहीं, ठीक है ना। इस चीज़ का खास ख्याल रखना अपने कि हेयर्स ना टूटे। मेरा मेन मकसद यही होता है कि हमारे हेयर्स ना टूटे और हमें इरिटेशन ना हो बियर्ड बांधने के बाद। और मैं थोड़ा सा अपना चेहरा खोल के ना मुंह खोल के उससे भी सेटिंग कर लेता हूँ, जहाँ पे क्योंकि बाल कोई फंसा रहता है, कोई छोटा बाल होता है वो बीच में फंस जाता है, तो वो सारा दिन इरिटेशन होती है अगर वो फंसा रह जाए और उसके ऊपर स्प्रे लग जाए। तो मैं उसको थोड़ा सा ईजी कर लेता हूँ अपना मुँह खोल के ऐसे। अब जैसे कि अंदर स्पेस बन चुकी है प्रॉपर, मैंने एक जूड़े की स्पेस बना ली है, अब उसको थोड़ा सा ऐसे टर्न करूँगा। मेरा जूड़ा नहीं बन पाता प्रॉपर, क्योंकि मेरे हेयर छोटे हैं, तो मैं क्या करता हूँ मैं ऐसे इसको टर्न कर लेता हूँ। अब इसको टर्न करके मैंने इसके अंदर ऐसे अंदर डाल दिया, और मेरे ख्याल से मेरी बियर्ड अब बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। ये देखिए मेरे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने सारे हेयर्स ऐसे मैनेज करके इसके अंदर डाल लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने हेयर्स के ऊपर स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने का एक ही तरीका है सबसे बढ़िया, कि हमने सारे हेयर्स को कवर करना है वाइल स्प्रेइंग इट। तो ठीक है, हमने पहले देख लेना हाथों के साथ एक बार फिर से सेटिंग कर ली। ब्रश का इस्तेमाल एक बार हमने नीचे से जब बियर्ड को टाई कर लिया है तो दोबारा हमने ये ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप ब्रश लगाए करेंगे वैसे वैसे सारे हेयर्स उस रबड़ बैंड से बाहर आते जाएंगे। इसलिए ब्रश का इस्तेमाल अब दोबारा नहीं करना, जो पहले कर लिया सो कर लिया। अब हमने देखा कि हमारे सारे हेयर्स एक सिमिट्री में हैं, ये देखिए जहाँ से नहीं है उनको थोड़ा सा हाथों के साथ कर लिया, पूरा हम सिलाई के साथ एंड में करेंगे। सो पहले हमने ये लिया, इसको ना अच्छी तरह से शेक करना होता है, क्योंकि इसकी ग्लू जो है नीचे रह जाती है। अगर सर्दियाँ हो तो ज़्यादा शेक करना पड़ता है 30 सेकेंड्स, गर्मियाँ हो तो 5-10 सेकेंड में काम बन जाता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा, क्योंकि आज यहाँ पर ठंडा तो ऑब्वियसली ग्लू आज नीचे बैठी होगी इसकी। अब हमारा जो मेन काम है वो हमने है स्प्रे कैसे करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं स्प्रे कैसे करता हूँ। स्प्रे करने के लिए सबसे पहले हमने करना होता है नीचे स्प्रे, और टी शर्ट वो डालना जो आप रेगुलर मतलब कि बाहर नहीं डालते, घर पे डालने वाली, या बिना टी शर्ट के स्प्रे करना, क्योंकि टी शर्ट थोड़ी मैसी हो जाती है ऑब्वियसली, जिसके ऊपर स्प्रे पड़ेगा ग्लू पड़ेगी। वैसे इससे भी कम स्प्रे लगाना चाहिए, आज मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया गलती से। वैसे मैं बहुत कम लगाता हूँ स्प्रे, क्योंकि मैं ज़्यादा तब लगाता हूँ जब किसी पार्टी में जाना हो, फिर तो अच्छी तरह से बांधता हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं थोड़ा लाइट ही बांधता हूँ। अब ये इसको ना ऐसे पकड़ लेना ठाठे को, तो इसको ऐसे पकड़ के बड़े पोलाइटली, ठाठा कभी कस के नहीं बांधना, बियर्ड अच्छी नहीं बांधी जाएगी, हमेशा पोलाइटली धीरे से आराम से इसको टाई करना।
अब सबसे पहले सिलाई मारने का एक तरीका कि उसको पहले नीचे से सारे हेयर्स ऐसे कवर करने हैं, हमने यहाँ से सारे हेयर्स अंदर करने हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करेंगे तो आप इजी रहेंगे थोड़ा। फिर हमारा अगला स्टेप है पीछे से इसे रख के बिल्कुल सीधे सीधे से नीचे लेके आना, और आप फील कर सकेंगे जो बाल टेढ़े मेढ़े हैं अंदर वो सेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मेरे हेयर्स यहाँ से मैंने ठीक कर लिए हैं, अब ये खुलने के बाद ही पता लगेंगे ठीक हुए हैं कि नहीं हुए, ये पहले नहीं पता लग सकता। सिलाई बच चुकी है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ठाठे के साथ सारी बियर्ड को प्रॉपरली बांध लिया है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि जो हमारा ये ठाठा है ना नेट वाला, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसके ऊपर पहले ग्लू के मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर पहले ही ग्लू के मार्क्स होंगे तो आप ठाठा अच्छे से बांधने के बाद जब खोलेंगे तो सारे बाल उसके ऊपर चिपके होंगे और आपकी बियर्ड ख़राब हो जाएगी, सारी मैस हो जाएगी, इसलिए ठाठा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और आप देखें मैंने किस वे में बिल्कुल पोलाइटली करना है, जितना काम बियर्ड के साथ आपने करना है बांधने तक पोलाइटली करना है। अब मैं टर्बन बांध के आता हूँ, टर्बन बांध के अभी मैं खोलूँगा इसको, जब अपने ठाठे को हटाऊँगा तो आप देखना कि मैंने टर्बन बांधने के बाद ठाठा हटाना है, मैंने पहले नहीं हटाना, टर्बन बांधने के बाद हटाऊँगा और आप देखना मैं कैसे हटाता हूँ। और फिर आप देखिएगा कि आप मतलब आपके साथ मेरे को भी आपके साथ ही पता लगेगा कि ये बियर्ड अब अच्छी बांधी गई है कि नहीं, तो ये ठाठा खोलने के बाद ही मैं पता लगेगा। सो मैं पगड़ी बांध के 5 मिनट्स में आया। अब जैसे कि मेरे को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मैंने ये ठाठा बांधा हुआ था उसके ऊपर मैंने पगड़ी बांधी, और ये देखिए ऊपर से ये शायद आप देख पा रहे हो ऊपर से ये ऐसे मैंने बांधा हुआ है, तो मैंने अभी तक इसे खोल के नहीं देखा, तो मैं इसे खोल के देखूंगा। मतलब मेरा जो बियर्ड है, मेरी जो बियर्ड है वो 10-12 मिनट में सूख जाती है, क्योंकि एक तो ये ठाठे की वजह से, दूसरा मैं यूज़ करता हूँ स्प्रे, तो स्प्रे यूज़ करें, आजकल स्प्रे का ज़माना है, मॉडर्न हो जाएं आप सब भी, मतलब सिमको भी यूज़ करें। मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरे को ये बहुत ईजी लगता है, देखो मेरे हाथ वगैरह भी गंदे नहीं हुए और मैस नहीं हुआ बिल्कुल भी, और बियर्ड भी बांध के बड़ी अच्छी। तो मैं आपके साथ भी खोलूँगा, आप देख के डिसाइड करिएगा कि ठीक बंदी है कि नहीं बंदी। मेरे को यहाँ से लग रहा थोड़ी प्रॉब्लम आई हो गई, यहाँ से मैं फील कर पा रहा हूँ कि थोड़े हेयर्स इकट्ठे हुए हैं और बाकी सारी ठीक लग रही है, बट अब हम खोल के देखते हैं। सो इसको ना ऐसे खोलना होता है यहाँ से ऐसे धीरे धीरे, ताकि आपकी टर्बन भी ख़राब ना हो और आपकी बियर्ड भी अच्छे से खुल जाए। ये देखिए एक तरह से निकल आए, अब हमने दूसरी तरह से निकालनी है। ये देखिए अब इसको धीरे धीरे रिमूव करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। नहीं यहाँ से ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, थोड़ा सा ही ख़राब हुआ, चलो कोई बात नहीं, उतना चलता है, बिना मिरर के ठीक बंदी है। और मैं वैसे भी बिना मिरर के अपनी पगड़ी और बियर्ड बांध सकता हूँ, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो ही जाती है बंदे को बांध बांध के इतने सालों से। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरी बियर्ड देखी, यहाँ से थोड़ी सी ख़राब हुई है लेकिन ठीक है, चलती है, मतलब ओवरऑल दूर से देखो तो इट इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। तो अगर पास से देखें तो हाँ, इधर से तो मेरे ख्याल से कोई इतनी कमियाँ नहीं है, लेकिन इस साइड से थोड़ी ख़राब हुई है क्योंकि मैंने सिलाई के साथ अच्छी तरह से नई सेटिंग की, बट हाँ फिर भी ओवरऑल ये अच्छी आई है। ये देखें यहाँ से कितनी अच्छी स्मूथ आई है। तो और लास्ट में हम क्या करेंगे, सिलाई के साथ हम इसे यहाँ से हेयर को अपने सेट कर लेंगे, थोड़ा सा अंदर करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ से ऐसे, या और ये देखिए अब बियर्ड रेडी है बिल्कुल अच्छी तरह से, अच्छी सी मिट्टी में। ये नीचे से देखिए बिल्कुल ठीक है, ये हमने जो अंदर डाली थी यहाँ से वो भी बिल्कुल क्लोज्ड है, कोई बाहर नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये देखिए अब मैंने आपको बियर्ड का पूरा ट्यूटोरियल दिखा दिया कि हम अपनी बियर्ड को अच्छी तरह से ऐसे बांध सकते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी भाइयों को जो बियर्ड ट्रिम करवाते हैं, कट करवाते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी स्मार्ट लग सकते हैं। चलो मैं इतना स्मार्ट नहीं लगता ना मैं स्मार्ट हूँ, बट ठीक है मैं अच्छा लगता हूँ, मेरे को ये पता कि मैं एक जेंटलमैन ज़रूर लगता हूँ। जेंटलमैन अपने आप को कैसे कह सकता हूँ मैं, मतलब मैं ठीक लगता हूँ, तो आप भी ठीक लग सकते हैं, मतलब हेयर कट करके आपको ज़्यादा स्मार्ट नहीं लगने लगेंगे। हमें अपने रिलीजन को प्रॉपरली फॉलो भी कर लिया और देखो अच्छे भी लग रहे हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि मैं कोई मॉडल नहीं लगता, मैं कोई बहुत स्मार्ट नहीं लगता, लेकिन मैं ओवरऑल अच्छा लगता हूँ, एक नॉर्मल एक सरदार मुंडा लगता हूँ। तो मतलब जिसे लोग एक इनोसेंट गाय की तरह समझेंगे अगर मैं सड़क पे जाऊंगा, तो प्लीज़ आप भी बियर्ड कट ना करवाएं, इससे अच्छा है कि आप बांध लें, और आप इजी वे में ऐसे बियर्ड बांध सकते हैं जिस, और मूछों को एंड में थोड़ा सेट करना पड़ता है, मूछें थोड़ी ख़राब हो रही हैं, मेरे को मूछों को आज तक सेट करना नहीं आया, बट ठीक है ओवरऑल इट लुक्स फाइन। सो इस तरह से आप अपनी बियर्ड को अच्छी तरह से टाई कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, उससे मेरे को बहुत ही हौसला मिलता है कि आप जब मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और व्यूज़ ज़्यादा बढ़ते हैं देख के मेरे को बड़ी खुशी होती है। अभी तक मेरे चैनल पे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट जितने भी हैं सब मेरे को प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।